बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन, जो आप लोग साथ देखिए मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं नए तरीके से बना रही हूँ आप लोग KFC चिकन। देखिए सबसे पहले हम चिकन ऐड करेंगे इसमें। देखिए मैंने पीस लिए थे, उसको मैंने ऐसे कट लगा लिए गहराई में सब। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन ऐड कर देंगे हम सभी इसमें। देखिए अभी मैं ऐड करूंगी इसमें दूध, 2 गिलास जितना मैंने दूध लिया था। ये देखिए ये ऐड कर देंगे और 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, 4 गिलास। बिस्मिल्लाह, देखिए मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड कर दिए। जो मेरे पास छोटे गिलास हैं उसके 4 गिलास हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर मसाले ऐड करती हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून भरकर। ये देखिए ये मैंने ऐड कर दिया। इसको अभी हम कवर करके पकने देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ रहा है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा से इसमें बॉयल आ रहा है। ये अच्छे से पक रहे, अगर इसको आप पूरा ढक्कन ढक देंगे तो ये दूध जो है ना बाहर बॉयल होके निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा कवर किया हुआ है। देखिए मैंने इसको अभी कवर से हटा दिया, इसको कवर नहीं ढक रहे, मैं ऐसे ही बना रहे हैं अभी। कवर ढकने से क्या है, दूध में बॉयल आके दूध बाहर निकल रहा है, इसलिए मैंने इसको बिना कवर के बना रही हूँ। ठीक है, जैसे ये तैयार हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमारी तैयार हो गई, इसको हम निकाल लेंगे अभी बाहर। और मैंने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया था, नमक इसलिए नहीं ऐड किया था, अगर हम नमक ऐड कर दें दूध फट जाता, तो ये सिर्फ ऐसे फिर दूध ही होता, जैसे दही बन जाती है फिर दूध ऐसे हो जाता। देखिए हमारी चिकन पक गई, इसको हम निकाल लेंगे और अगला स्टेप आपको बताते हैं। देखिए इसको हम निकाल लेंगे अभी बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सभी पीस निकाल लूँगी और माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए अभी जब तक हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे जब तक ये ठंडे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए लेग पीस बहुत ही अच्छा सा पक गया, बहुत नरम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी पक गई। अब इसकी हम कोटिंग तैयार करते हैं जब तक ये ठंडा हो जाएगा। देखिए अब इसकी हम कोटिंग तैयार कर रहे हैं। ये मैंने मसालों में लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 3 टीस्पून लाल मिर्ची पिसी हुई। चलें अभी आपको बताते हैं। और मैंने अंडे लिए 2, सबसे पहले हम अंडे ऐड करेंगे इसमें बॉल में। और मैंने 1/2 कप दूध लिया है, ये ऐड कर देंगे इसी में। इसको अच्छे से हम फैट लेंगे। और बाकी मैं इसको आपको भी बताती हूँ, मैदे में ऐड करूँगी मैं अभी। देखिए मैं मैंने एक प्याली मैदा लिया है और मैंने लेस चिप्स ली थी, आपके पास अगर ब्रेड क्रम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं लेस चिप्स ऐड कर रही हूँ इसमें। देखिए अभी मैं ये सब मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभी मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए। अच्छे से सब मसालों को मिक्स कर लेंगे और साथ में हम लेस चिप्स भी ऐड कर देंगे। बड़ा पैकेट आता है, मैंने वो लिया था। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सब चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और हमने अंडे को भी बहुत अच्छे से फैट लिया। इसको अभी हम तैयार करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चिकन लेंगे। इसको हम
लगाएंगे, तैयार करेंगे। देखिए ऐसे मैं इसको दूध में डिप कर लूँगी, अंडे और दूध में अच्छे से डिप हो गया ना। अभी इसको हम इसमें अच्छे से इसको कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए अभी मैं आपको सभी अच्छे से इसमें लग जाएगा। देखें कितने अच्छे से लग गए सभी, और दूसरे भी मैं ऐसे तैयार करके सब। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हो गया है। मैं सभी ऐसे तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ, फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। देखिए मैंने इसको सबको कोटिंग कर लिया है, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी कोटिंग हो गई इसमें। अभी इसको हम फ्राई करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया था और बहुत अच्छा सा गर्म हो गया, उसके लिए मैंने देखिए और बहुत अच्छा गर्म हो गया। अभी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। देखिए अभी इसको हम फ्राई करने के लिए इसमें ऐड करें तेल में। देखिए तेल माशाल्लाह बहुत अच्छा गर्म हो गया हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह दोनों मैंने ऐड कर दिया। दो दो करके मैं इसको फ्राई करूँगी, अच्छा सा कलर दे देंगे जैसे क्रिस्पी में कलर होता है। देखिए इसको अब दूसरी तरफ भी अच्छा सा, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अभी हम थोड़े बाद से निकाल लेंगे इसको, फिर दूसरी भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेंगे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी क्रिस्पी बन के रेडी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए माशाल्लाह ये अच्छी बन गई, इसको हम निकाल लेंगे ट्रे में। देखिए और दूसरी भी मैं ऐसे माशाल्लाह दोनों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई, कितनी अच्छा कलर आ गया इसमें खूबसूरत सा। अभी मैं दूसरी भी फ्राई करने के लिए ऐड करती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए इसको भी हम जैसे उसको कलर दिया इसमें भी ऐसे अच्छा सा कलर दे देंगे खूबसूरत सा। देखिए हम इसको पलटी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह बहुत अच्छा सा पक रहा है रेसिपी हमारी। कलर देख कितना अच्छा है खूबसूरत सा। इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, जैसे फ्राई करके हम निकालेंगे उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमारी चिकन क्रिस्पी बन के रेडी हो गई माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई। अभी आपको इसको दिखाते भी हैं। देखिए ये हमने सीना पीस लिया था ना, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से पकी हुई है अंदर तक। ये देखिए मसाला देखिए इस पर कितना अच्छा लगा है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छी लगी होगी रेसिपी। और मैंने इसके साथ बनाई है चटनी, आप चाहे तो इसको केचप है मायनीस है इसके साथ भी खा सकते हैं, इसका आप बर्गर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छी लगी होगी रेसिपी। जो हमारे चैनल पर ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो बहुत जल्द मिल जाए। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।